बीते 17 जनवरी की रात शशि थरूर की तीसरी पत्नी सुनंदा पुष्कर की संदिग्ध हालात में दिल्ली के 5 स्टार होटल में मौत हो गई थी। इस घटना को तकरीबन 1 हफ्ता हो गया है, लेकिन इस हाई प्रोफाइल मौत पर रहस्य की परतें अब भी पड़ी हुई हैं। सुनंदा के पार्थिव शरीर का एम्स के बड़े डॉक्टरों की निगरानी में पोस्टमार्टम किया गया। उसकी रिपोर्ट भी आ गई, जिसमें कहा गया कि सुनंदा की मौत दरअसल नशीली दवाओं की ओवरडोज की वजह से हुई, लेकिन इस रिपोर्ट से ज्यादा कुछ स्पष्ट नहीं है। लेकिन SDM ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि सुनंदा की मौत जहर के सेवन से हुई है। लेकिन सुनंदा के बेटे शिव मेनन ने कहा कि सुनंदा पुष्कर एक बहादुर और दिलेर महिला थी। इतना ही नहीं, जो लोग उन्हें जानते हैं वो ये भी जानते होंगे कि सुनंदा खुदकुशी जैसा कदम नहीं उठा सकती, लेकिन SDM की रिपोर्ट की माने तो सुनंदा की मौत पर सवाल खड़े होते हैं। सुनंदा पुष्कर ने खुदकुशी क्यों की? क्या सुनंदा ने जहर खाकर दी जान? SDM की रिपोर्ट में खुलासा, सुनंदा ने खाया था जहर। क्या सुनंदा को खाने में दिया गया जहर? आखिर कैसे पहुंचा सुनंदा के पास जहर? सुनंदा को किसने रची मारने की साजिश? दिल्ली पुलिस सुनंदा की मौत के कारणों की जांच हर एंगल से कर रही है। पुलिस को दी गई रिपोर्ट में सुनंदा के भाई, उनके बेटे के साथ साथ थरूर और उनके कर्मचारियों के बयान दर्ज करने वाले SDM ने कहा कि परिवार के किसी भी सदस्य को मौत के पीछे कोई षड्यंत्र होने का संदेह नहीं है। मौत से एक दिन पहले सुनंदा की एक पाकिस्तानी पत्रकार मेहर तरार से शशि थरूर के कथित प्रसंग को लेकर ट्विटर पर तकरार हुई थी। बहरहाल इस हाई प्रोफाइल मौत से हर कोई सकते में है। उम्मीद की जानी चाहिए कि पुलिस की तफ्तीश में देर से ही सही, लेकिन घटना की सच्चाई सामने आएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस।